मैं बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं सर, जो तीन बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर, जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर, 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। 28 जून की एक मीटिंग हुई है, उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा उसकी जांच कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मार लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर? मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मान्यवर। और जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया, और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर, इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, और जब मैंने कहा कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो कह रहे जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए, कहा यहां एक सदस्य ने सर, एक मुख्यमंत्री, बस सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं सर खत्म कर रहा हूं सर, एक मुख्यमंत्री जिसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, 50 से कम शुगर उसकी है, उसके बूढ़े मां बाप को चिंता है, बच्चों को चिंता है, पत्नी को चिंता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हालत है तो बहुत अच्छा है। मान्यवर इस बात ने घाव हृदय में घाव कर दिया, हृदय में घाव कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता रखते हैं इस सदन में बैठ के, एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता मान्यवर, इतनी कटुता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है, एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है, एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना, मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर, ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के, और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार इनसे निवेदन किया, विनती किया, बार बार कहा, और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर ये प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, हमारे मुख्यमंत्री 3 बार चुन लिए गए। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम मैं कह रहा हूं सर, उनका अपराध क्या है कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया।
जो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, जो बस की यात्रा फ्री देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऐसे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। हमने वो काम करके दिखाया है, अनुकरणीय काम करके दिखाया है, वो आप पचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे सदन के अंदर हंसी मजाक, लोगों का मौत पे भी ताली बजाने का काम ये बंद कीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। और अंतिम लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा माननीय, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इस सदन में ये बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है, आगे मणिपुर की हिंसा पर, नीट के मुद्दे पर, चीन की घुसपैठ पर इस सदन में चर्चा कराई जाए और हम सब उसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे। धन्यवाद।